ओम शांति। आज हम सभी साधकों के लिए बहुत ही विशेष दिन, विजयदशमी का दिन। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज मुझे जो सजगता मिली है, मुझ आत्मा को जो समझ मिली है, उस समझ के आधार से, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार से आज मैं शायद इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं सच्चे रूप से आज विजयदशमी का त्योहार मना सकूं। अपने उस अंदर के रावण को जान सकूं और जानकर उसको नष्ट भी कर सकूं। आज दिन तक मैं ये समझती थी कि बस रावण एक पुतला है, जलाते हैं, लेकिन आज उसका असली मर्म समझ में आया। क्या है ये रावण जो मुझे बाबा ने समझाया कि रावण मेरे अंदर के खुद के विकार हैं, खुद की कमी कमजोरियां हैं, खुद की वो बुरी आदतें हैं जो मेरा ही जीवन जैसे कैद में कर रही हैं। और राम प्रतीक है उस ईश्वरीय शक्ति का, उस जागृत अवस्था का जो इन कमियों को, विकारों को दूर करता है। और सीता है मेरा खुद का मन, जो राम से विमुख होकर तृष्णा में, लोभ में पड़कर अपना ही अस्तित्व खतरे में डाल देता है। तो बाबा का ये दिव्य ज्ञान मुझ आत्मा को वो पंख देता है, वो उड़ान देता है, वो हौसला देता है, वो हिम्मत देता है, वो दूर दृष्टि देता है जो मुझे इन कमियों कमजोरियों विकारों की जो कैद है कि मैं उससे निकल पाऊं। किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ज्ञान के आधार से उस चीज को छोड़ना बहुत सहज होता है। और एक निश्चय करने के बाद एक सपोर्ट का हाथ भी जरूरी होता है जो बाबा हमें देते हैं। वो हमें सहज ज्ञान देते हैं, सहज विधि देते हैं और साथ में अपना सहयोग भी देते हैं। तो आज हम सच्ची सच्ची विजयदशमी मनाएंगे, विजयी होंगे क्योंकि मैं सर्वगुण संपन्न पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो हूं, बाबा से जो गुण और शक्तियां मिली हैं, हमें इतने दिनों की योग तपस्या के बाद जो अनुभव मिला है, आत्मा के जो शक्तियों का जागरण हुआ है, गुणों की जो धारणा समझ में आ रही है,
कि मैं आत्मा अपने आप में क्या क्या समेटे बैठी हुई हूँ, उसका ज्ञान जो मुझे हुआ है, उस ज्ञान के आधार से आज मैं अंतर मुक्ता में बैठकर अपने अंदर को टटोलती हूँ। अपने अंदर को जांचना, निष्पक्ष भाव से देखना निस्वार्थ भाव से अपने आप को समझना, अपनी उन कमियों को देखना, अपने उन दोषों को देखना, उन विकारों को देखना, बुरी आदतों को देखना जो स्वयं मेरी ही उन्नति में बाधा बन के बैठी हैं, जो स्वयं ही मेरे आत्म उत्थान के लिए अवरोध पैदा कर रही हैं, और यही अवरोध, यही मेरा और मेरे परिवार की और मेरे समाज की और पूरे विश्व की उन्नति में बाधक है, तो आज कुछ क्षण हम यही प्रयास करेंगे अपने आप को देखने का। क्योंकि अब ये सहज ते सहज हो गया है, क्योंकि बाबा ने इन शक्तियों का जागरण जो किया है, मैं अब चेतन से चेतन अवस्था में आई हूं, बिना डर के भय मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से आज मैं स्थिति में हूं कि मैं खुद का आत्मविश्लेषण कर सकती हूँ, अपने अंदर बैठी उन सूक्ष्म छोटी से छोटी उस विकार की जड़ को भी देख सकती हूँ। क्योंकि ये विकार ही मेरे दुख का कारण बनते हैं, मुझे इस दुख बेचैनी के कुछ चक्र में घुमाते ही रहते हैं। तो आज हिम्मत का वो कदम बढ़ाकर मुझ आत्मा ने एक निश्चय किया है, फैसला किया है, क्योंकि मुझे मेरी सत्य पहचान जो मिली है, मुझे ये ज्ञान जो मिला है, और बाबा भी कहते हैं कि आपको स्वरूप बनना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। तो मुझे जो पिछले दिनों की गई तपस्या के फल स्वरूप ये जो समझ मिली है, अनुभूति मिली है, आज उसे समझ और अनुभूति के आधार पर हम कुछ क्षण बैठेंगे अपने साथ, आत्मविश्लेषण करेंगे, अतीत के कुछ पन्नों को भूलेंगे, और अब तक के जीवन में जो जो मुझे कमियां और विकार अपने समझ में आएंगे, आज उस रावण को उस राम की उपस्थिति में जलना ही होगा। तो आए इस अनोखी अंतर यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अपने आप को किसी
सुखपूर्वक आसन पर स्थित करें। शरीर को सुविधाजनक स्थिति में लेकर आएं। परमात्मा शिव का मन और बुद्धि से आवाहन करें, उन्हें साक्षी बनाएं अपना। क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई सबूत नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, क्योंकि अदालत भी उसकी होती है और निर्णय भी उसका होता है, तो क्यों ना सीधे सीधे उसी को ही बताया जाए। परमात्मा पिता का आवाहन, उसका साक्षी होना, हमारे पास होना मेरी हिम्मत को बढ़ाता है, मुझे निर्भय बनाता है। मन और बुद्धि से आज आत्मा को कुछ वर्ष पीछे ले जाएंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, जीवन के अब तक के दुखों को बाहर निकाल फेंकने का प्रयास करेंगे, और वो प्रयास अवश्य ही सफल होने जा रहा है, क्योंकि डोर किसके हाथ में है? ब्रह्मांड के मालिक के हाथ में, सर्वशक्तिमान के हाथ में। तो निर्भय होकर इस यात्रा पर चलें, मन बुद्धि से एकाग्र हो जाएं, ध्यान मस्तक मणि पर ले जाएं। मैं आत्मा सक्षम हूं, सब जानती हूं, क्योंकि मैं आत्मा एक अनंत यात्रा पर हूं। मेरे इस भौतिक शरीर की जितनी आयु है, इसी शरीर के उन शुरुआती पलों की ओर चलते हैं, जब से मुझे समझ आई इस दुनियादारी की। बचपन में मैं जो भी करती थी, तो आज मुझे समझ में आया कि जो ठीक नहीं था, बचपन के समय की कोई कड़वी याद ले आए अपने मानस पटल पर। कोई व्यक्ति जिसने हमें कोई मानसिक पीड़ना दी हो, चोट दी हो, दुख दिया हो, मेरे स्कूल के दिन, उन दिनों में मैं कोई किसी ऐसी स्थिति परिस्थिति से गुजरी हूं, उस दौर में मुझे कोई ऐसा कड़वा अनुभव हुआ हो और उसके कारण मेरे अंदर कोई कड़वाहट, कोई विकार पैदा हुआ हो, कोई मुझसे ऐसा कर्म हो गया हो, उसे मानस पटल पर ले आए। मेरे कॉलेज के समय में कोई ऐसी विशेष घटना जिसने मेरे अंतर मन में एक गहरी पैठ बनाई हो, मेरे घर परिवार में कोई ऐसी आत्मा
जिससे मुझे ऐसा अनुभव मिला हो। उन सब क्षणों को याद कर लें, उन सबको मानस पटल पर लाएं, क्योंकि आज हमने एक अंदर का डर है, अंदर के रावण को आज हमने नष्ट करना है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी एक कड़वा अनुभव अंदर न रह जाए। मेरे कार्यस्थल पर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति, और मेरी किसी के प्रति सोच जिसमें नकारात्मकता भरी हो, दुख भरा हो, बेचैनी भरी हो, आज हमें अपने आप को मुक्त करना है इस रावण की कैद से। आज मुझे आजाद होना है अपने ही बनाए हुए विचारों के इस ताने बाने से, जकड़न से, विचारों की बेड़ियों से मुझे आज अपने आप को आजाद करना है। मुझे आज अपने जीवन से ईर्ष्या को निकालना है, दुख को बाहर निकालना है, सबको माफ करना है आज। मुझे अपने जीवन में कण मात्र भी कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं चाहिए, नहीं रखनी है। ये रावण मेरे जीवन को प्रफुल्लित होने से रोक रहा है। याद कर लें उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को, और उन स्थितियों परिस्थितियों में दिए गए मेरे उस रिएक्शन को, मेरी सोच को। अगर मैं कुछ रिएक्ट नहीं भी कर पाई उस सोच को, मेरे अब तक के जीवन में कोई आई ऐसी विशेष स्थिति मेरी सोच कभी कभी मुझे कमजोर करती है, मेरे डर मुझे शक्तिहीन बनाते हैं, भविष्य के प्रति मेरी चिंता मुझे परेशान करती है। यही तो रावण है। यही आज सच्चा दशहरा हम मनाएंगे, अपने अंदर बैठे हुए उस डर को, उस चिंता को, उस भय को, उस बेचैनी को आज हम ऐसी तिलांजलि देंगे, ऐसा राख करेंगे कि वो फिर से पनप ही ना सके, अंतर मन के राम को जागृत करेंगे। मन और बुद्धि में
परमपिता परमात्मा शिव को ब्रह्मा तन में इमर्ज करते हुए आज बाबा के समक्ष अपने मन के उस भार को हल्का कर ले। मन में जो भी परेशानी, भय, चिंता, तनाव, अवसाद, भार, इनसिक्योरिटी, जीवन के प्रति आई असंतुष्टता को भी बाबा को सच्चे मन से बताएं, क्योंकि वही तो राम है ना, रावण को मारना तो उन्हें ही है। मैं सीता तो कैद हूँ इन भावनाओं में, विचारों में, तो मेरी सच्ची गुहार, सच्ची प्रार्थना तो राम को ही है। दिल खोल कर बयां करें अपने दर्द, क्योंकि ये आज अंतिम क्षण होगा। डर को अपने भीतर बैठी उस झिझक को, उस परेशानी को, उस टेंशन को आज रिलीज कर दें। तभी सच्चा दशहरा मना पाएंगे हम। आज कोई बात रह ना जाए, कोई घटना छूट ना जाए, आज के बाद मेरे मन बुद्धि पर कोई भी भार रह ना जाए, आज मैं अपने अंदर के रावण को सच में मानना चाहती हूँ। अंतर्मुक्ता की क्षण मेरे लिए बहुत अमूल्य है। अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी कभी हमारे मन में शिकायत भी उठती है, तो आज उन शिकायतों को भी खत्म कर दें, निपटारा कर दें उनका भी, क्योंकि आज के बाद क्या, क्यों, किंतु, परंतु, ऐसे, कैसे, कुछ भी रह ना जाए। जो प्रश्न पूछना है वो भी प्रस्तुत करें, पूछें, खाली कर दें अपने मन को, जो भी कहना है कह दें, जो भी चाहना है वो भी बता दें,
क्योंकि आज अवसर है मेरे पास। बाबा साक्षी है ना मेरे, वही निर्णय करता है, वही मेरे वकील हैं, वही मेरे गवाह हैं। कुछ छूट ना जाए, कुछ अधूरा ना रह जाए, पूरे समर्पण भाव के साथ आज अतीत के पन्नों से उस डर को, उस खौफ को, उस दुख को निकालना है हमें। बाबा ने यह सुअवसर दिया है मुझे। आजाद कर दें अपने आप को, इन रावण रूपी विचारों से, इस नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब उन सभी व्यक्तियों और उन विचारों को अपने ही मन मस्तिष्क में जैसे उसे जलता हुआ देखें, जैसे ये रावण, ये शंकाओं वाला रावण, दुख का रावण, आज ये मेरे जीवन से जल उठा है, निकल गया है, नष्ट हो गया है। मैं आत्मा उन्मुक्त हूं, आजाद हूं, मुक्त हूं। आज इस क्षण से मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं राम है। मैं सीता आजाद हो गई इस कैद से। और ये निश्चय रखें, सच में मैं आजाद हो गई। मुझे वो आजादी, वो सुकून मिल रहा है। मेरे साथ अच्छे से अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा हो रहा है। परमात्मा सानिध्य मिल रहा है मुझे। मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना मजबूत कि विश्व की कोई भी आत्मा उसे हिला नहीं सकती। ऐसी सुरक्षा, ऐसा सुकून, कोई और दे नहीं सकता।
तो आज के इस विजयदशमी के दिन पर मैं आत्मा उस सीता का प्रतीक हूं, परमपिता परमात्मा राम के प्रतीक हैं और मेरे अंदर के विकार कमियां कमजोरियां वो सब पुराने संस्कार उस रावण के प्रतीक हैं जिसे आज उस ईश्वरीय शक्ति ने जड़ से नाश कर दिया है। मन और बुद्धि के पटल पर दृश्य लेकर आए कि मैं आत्मा दोनों बाहें खोली उस साफ स्वच्छ हवा में सांस ले रही हूं, उगते हुए सूर्य की लालिमा के सामने मैं आत्मा विजुलाइज करें इस दृश्य को, दोनों बाहें खोल चढ़ते सूर्य के सामने नए सवेरे के साथ, नए उजाले के साथ, नई रोशनी के साथ मेरा यही जीवन रोशन हो रहा है, मुझ आत्मा का जागरण हो रहा है, चेहरे पर मुस्कान, मुझ आत्मा को भर्तु कर रहे हैं। आज के इस सच्चे दशहरे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया बाबा मेरे जीवन में ऐसे सुखद पल लाने के लिए। शुक्रिया बाबा। मुझे इस पुरानी परंपराओं संस्कारों से आजाद करने के लिए मुझे नया स्वरूप देने के लिए, नया रूप देने के लिए, नई समझ सत्य ज्ञान देने के लिए आज से मैं रावण की कैद से आजाद हूं। मैं आत्मा खुश हूं, हल्की हो गई, मन से इतना भार उतर गया। आज से इस क्षण से मुझे किसी से भी कोई नाराजगी नहीं। आज से मेरे जीवन में मुझ आत्मा के मुख से सबके लिए शुभ भाव ही निकलेंगे, दिल से सबके लिए निश्चल स्वार्थ से मुक्त प्रेम की धारा ही बहेगी, क्योंकि मैं मास्टर प्रेम सागर हूं, मास्टर शांति सागर हूं। मैं संपूर्ण हो गई बाबा,
मैं अपने आप को अधूरी समझती थी, और आज आपके साथ से मुझ सीता का राम से जो अनोखा मिलन हो गया, इतने वर्षों की कैद से आज मैं आत्मा आजाद हुई। यही मेरा आज सच्चा विजयदशमी का त्योहार है। शुक्रिया बाबा मुझे ऐसी कैद से छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे, तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।
के गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे, बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारे शिष्याएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारे शिष्याएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन।